देखो वो सरकारी अधिकारी रही हुई है सारी उम्र, वो एसी कमरों में बैठी है, उसको नहीं पता कि जो गांव की पौध है वो कैसी होती है। और दफ्तरों में बैठने वाले लोग, वो बरसाती मेंढक है, थोड़े दिन के लिए आई है सिर्फ वोट मांगने के लिए। उसके बाद अगर पहले सुनीता दुग्गल कभी दिखी हो, 5 सालों में देखा है आपने कभी सुनीता दुग्गल को? तो 12 मई के बाद भी सुनीता दुग्गल कभी लोगों को नहीं दिखेगी। और मैं तो कहती हूँ गाँव के लोगों को, मैंने आज भी कहा है, मैंने कहा जब वो दोबारा आए वोट मांगने के लिए तो एक बार उससे ये पूछो कि क्या आपने किसानों के लिए किया है। आज हमारा किसान सबसे ज़्यादा कर्जायती हो रहा है। वो एक महिला है, 5 साल में उसने सिरसा के लड़कियों के लिए क्या किया है? कहीं स्कूल खोला है, कोई स्कूल अपग्रेड किया है, कोई महाविद्यालय खोला है, कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। उसको पता है भी कमल का फूल तेरे को मिल गया और लोग जो है वो कमल के फूल पर मोड़ लगा देंगे, पर सिरसा जिला जो है वो इतना भोला नहीं है यहाँ का। उनको पता है कि कौन लोगों के बीच में रहेगा, तो लोगों के बीच में रहने वाला चेहरा है वो निर्मल मलड़ी है। चाहे 2 बजे रात को लोग बुलाएंगे तो ये लोग हाजिर होंगे। और सुनीता दुग्गल 12 मई के बाद अगर कहीं दिख जाए तो मैं भी यही हूँ और वो भी वही है। देखो ये दोनों कितनी विरोधाभासी बातें हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो चली जाएंगी और फिर ये भी कह रही हैं कि मैं भी यही हूँ और वो भी यही है। ये कितने विरोधाभासी बातें हैं। इन लोगों को देखना चाहिए। और ये जिन्होंने उन्होंने कहा है कि बरसाती मेंढक है, तो मेंढक तो चलो फिर भी कुछ छोटा मोटा बेचारा जो है किसी ना कुछ फायदा ही करता है किसी का, छोटे मोटे मच्छर वच्छर खा के आप लोगों को, है ना। और ये तो मगरमच्छ है, अरे जो जनता का सारा लूट के खा गए पूरे सिरसा को, तो ये तो मगरमच्छ है और जनता जानती है इस बात को। मुकाबला किससे मांगे? कोई मुकाबला नहीं, एक तरफा माहौल है। हमारे भाई बंधु रोज आते हैं और रोज 50,000 की लीड और ऐड कर देते हैं। आज कह रहे थे शुरू हुए थे ये 1-1.5 लाख से, आज ये 5 लाख तक पहुंच गए हैं।